हाय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास ट्वेल्थ का बुक फ्लेमिंगो का मैं समरी लेकर के आया हूँ और ये एग्जामिनेशन भी पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो आप लोगों को जो है 100% मार्क्स दिलवा सकता है। इसमें आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और साथ ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इससे बनेगा। तो आइए हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का ये जो है डीप वाटर को हम लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा नट सेल में जो है डीप वाटर के बारे में बता देना चाहता हूँ और मैं फिर इसके बाद लाइन बाय लाइन में मैं आऊँगा। तो आप लोगों को आप वीडियो को बार बार जो है स्क्रॉल करके देखते रहना है। तो इसमें आपका क्या है कि ये आपका विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और विलियम डगलस का ये खुद का एक्सपीरियंस स्टोरी क्या है उनको विलियम डगलस जो है ही डजंट नो हाउ टू स्विम, वो तैरने के लिए नहीं जानते थे और उनको कहीं ना कहीं पानी से थोड़ा सा एवर्सन था, डर था, फियर था। तो वो मतलब पानी के नज़दीक में या तो आपका तालाब के बीच में, लेक के बीच के समीप में वो और रिवर के समीप वो जाना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन इफ ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही कैनोट टेक द एंजॉय ऑफ द स्विमिंग, कैनोट टेक द एंजॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोट टेक द एंजॉय ऑफ फिशिंग। अगर एक आदमी जो है जो तैरने के लिए नहीं जानता है तो वो पानी का एंजॉय नहीं कर सकता है, वो बाथिंग नहीं कर सकता है और वो जो है बड़े बड़े लेक में जो है अपना जो है खेल नहीं सकता है और वो जो है बोटिंग भी नहीं कर सकता और इवन आप फिशिंग भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर विलियम डगलस जो है इन तमाम सारी चीज़ों को जो है वो नहीं चाहते थे कि इन सारी चीज़ हमसे छूट जाए। तो उनको पूरा करने के लिए विलियम डगलस क्या करते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं और इंस्ट्रक्टर रख करके जो है वो अपना फियर ऑफ वाटर को दूर करते हैं और ये अमेरिका का सबसे बड़ा वर्ल्ड तैराक बन गए थे डियर स्टूडेंट। तो उसी को मैं कहानी लेकर के लाइन बाय लाइन अभी आएंगे जो स्क्रीन पर आप लोग भी देख रहे हैं। फ्लेमिंगो डीप वाटर का समरी को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे डियर स्टूडेंट और ये आपका लैंग्वेज इतना सिंपल है कि इससे और सिंपल आपका नहीं मिल सकता है। मैंने इसको काफ़ी मेहनत से बनाया है और आप लोगों को भी एक बहुत बढ़िया भी लगेगा ये हमारा लैंग्वेज। कहते समरी ऑफ डीप वाटर, आप देखिए डीप वाटर हैज बीन रिटेन बाय वेरी फेमस राइटर विलियम डगलस। ये आपका जो है डीप वाटर का जो स्टोरी है वो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और साथ ही ये बोलता है कि इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी और एक प्रकार का आत्मकथा है डियर स्टूडेंट। कहता है इट इज़ ए पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर और ये ऑथर विलियम डगलस का एक प्रकार का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका। एज ए ऑथर जो है वो अपना पानी के डर से, भय से वो चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हम लोग आते हैं विलियम डगलस के बारे में। विलियम डगलस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर और यहाँ पर विलियम डगलस जो है पानी के डर के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट और उससे वो कैसे निजात पाते हैं वो यहाँ पर वो कहानी के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। कहता है कि दिस लेसन आल्सो डील्स विद द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर और इसमें डर का मनोविश्लेषण को दिखाया गया है कि वो डर से वो कैसे निजात पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे में हम लोग, देखिए यहाँ पर डीप वाटर जो है और विलियम डगलस जो है यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर जो है विलियम डगलस वो पानी में है और तैरने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिस स्टोरी बिगिंस विद ए विलियम डगलस, ये कहानी जो है हमारा विलियम डगलस से चालू होता है ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। दी राइटर डिसाइड टू लर्न स्विम और राइटर यहाँ पर वो जो है तैरना सीखने के लिए वो डिसाइड करते हैं फाइनली और वो सीखते भी हैं। अब क्या कहता है, देयर इज ए YMCA पुल और उसके गांव में जो है एक YMCA
आपका एक अकीमा रिवर है और अकीमा रिवर पर एक YMCA आपका पूल बना हुआ है, पोंड बना हुआ है, उसी में ये राइटर जाता है वहाँ पर सीखने के लिए। रिवर विच गिव्स हिम द चांस टू स्विम, और जो उसको सीखने का एक प्रकार का मौका प्रोवाइड करता है, उसको चांस प्रोवाइड करता है, और वहाँ पर वो राइटर जाता है। दिस रिवर इज ट्रेचरस, और ये रिवर जो है थोड़ा सा धोखेबाज नदी है, धोखेबाज रिवर है। धोखेबाज कहने का मतलब है कि एक ऐसा रिवर है जो यहाँ पर जो है कभी कभी जो है 9 फीट का वाटर जो है वो 90 फीट का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगता भी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिवर इज ट्रेचरस, मैंने बताया था कि ये रिवर एक ट्रेचरस है, काफ़ी खतरनाक नदी है। हीज मदर ऑलवेज वार्न्स अगेंस्ट इट, और उसकी माँ हमेशा जो है इसके खिलाफ में जो है वो बोलते रहती थी, वार्निंग देते रहती थी। डगलस हैज़ एन एवर्सन, और उसका डगलस का एक प्रकार का अवर्सन है, डर। अवर्सन मतलब यहाँ पर डर होता है टू वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग वंस ही स्टैंड एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया विथ हीज फादर। ए वेव स्वीप्स ओवर हिम एंड नॉक्स हिम डाउन, ही इज ए बरीज इन वाटर। तो एक बार का घटना है डियर स्टूडेंट, उनको डर कब से हो जाता है, तो विलियम डगलस जो है जब वो 3 और 4 साल का था, वो अपने फादर के साथ जो है कैलिफोर्निया बीच में जाता है, जहाँ पर एक आपका काफ़ी आपका ऊंचा वेव हाइट वाला वेव वाला जो है वो तरंग आता है पानी का और उसको डुबा देता है। तो वो काफ़ी वो पानी के अंदर में लग रहा है कि हम दफना गए हैं, उस दिन से वो पानी के वो समीप नहीं जाता है और एक डर मन में बैठा लेता है। तो उसी डर को से जो है वहाँ पर वो निजात पाना चाहता है, तभी वो जो है पानी का एंजॉय कर सकता है सही से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ही इज बरीज इन वाटर, वो वाटर में क्या गया, वो लग रहा है कि वो दफना गया है उस तरह से, वो पानी में मतलब कि नीचे चला गया। कहते हैं ही इज फ्राइटेंड वाई, और वो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा वो घबरा गया और डर गया डियर स्टूडेंट। कहता है YMCA पुल रिवाइव्स दोज फियर्स वंस ही गोज टू द पुल, और वो अपना गांव का नदी जो था कीमा रिवर पर जो YMCA पुल बना हुआ है, और उसमें वो जब भी वो तैरने के लिए जाता है तो उसको एक डर रिवाइव हो जाता है, पुनः वो डर दोहराने लगता है, वही पुराना डर, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन वो नहीं जानता है कि हम कैसे तैरे। ही इज ए सिटिंग ऑल अलोन ऑन द एज ऑफ द पूल, और वो क्या है पूल के जो है वो किनारे में जो है वो बैठा हुआ है, समझ या नहीं। इज वेटिंग समवन, वो क्या कर रहा है, वो किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा तो हम उसके साथ में क्या करेंगे, वो डुबकी लगाएंगे वहाँ पर। अब कहता है ये यंग बॉय कम्स एंड पिक्स अप एंड टॉसेस हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल, और एक मतलब कि युवा लड़का जो है काफ़ी मतलब कि आपका बॉडी शॉडी वाला और लगभग 18 साल का जो है युवा आता है, और वो क्या करता है उसको पकड़ता है और उसको पानी में फेंक देता है। तो वो जो है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटर में वो जाने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे कहता है टोसिस मतलब उसको उछाल देता है, हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ दी आपका पूल। डगलस गोज टू दी बॉटम स्लोली, ही इज ए फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ द हिज विट्स, वो जब पानी का एक नेचर होता है डियर स्टूडेंट, जब आप पानी में जाएंगे और आपको ना फोर्स नहीं लगाएंगे तो पानी जो आपको नीचे खींच लेती है, सब ये ना। तो यहाँ पर राइटर भी क्या होता है कि वो नीचे चला जाता है और उसका आने जाने का सिलसिला जो है पानी में वो उसका सीरीज वो चलता रहता है।
ही डिसाइड टू मेक ए बिग जंप फ्रॉम द बॉटम। और वो जो है अगर आप तैरने के लिए जानते होंगे या तो गए होंगे, तो हम लोगों को अगर ऊपर आना है अगर पानी के नीचे से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैर स्ट्रक करते हैं, बॉटम में स्ट्रक करते हैं, तो हम लोग जो है एकदम पूरा पानी से ऊपर आ जाते हैं, बहुत तेज़ी गति से आ जाते हैं। ही कम्स फ्रॉम वाटर लाइक ए कॉर्क, वो कॉर्क की भांति जो है पानी से आ जाता है। कॉर्क यहाँ पर जो होता है टेनिस जो खेलते हैं तो उसका एक कॉर्क होता है, वो काफ़ी जो है हल्का आपका जो है सब्सटेंस है जो पानी में तैरने लगता है। अब वो कॉर्क की भांति वो सबसे पहले वाटर में के ऊपर सरफेस पर आ गया। द राइटर अगेन गोज अंडर द वाटर, लेकिन राइटर जो है ना वो एक्चुअली तैरने के लिए तो नहीं जान रहा है, तो वो पानी में उसको आने जाने का सिलसिला तो लगा हुआ है, क्योंकि पानी जो है आपको जान लेकर के छोड़ेगा। क्यों, अगर आपको पास कुछ पकड़ने का नहीं है और अगर आप तैरने के लिए नहीं जान रहे हैं तो पानी आपको छोड़ने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट वहाँ पर। अब है कि फियर ग्रोज इन द हार्ट ऑफ द डगलस, और ये मतलब कि इसके दिल में जो है वो डर बैठ गया पानी के प्रति उसका डर। अब कहते हैं ही फील सफोकेशन, और वो पानी से वहाँ पर उसको जो है काफ़ी घुटन होने लगा, क्योंकि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है आपका ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर सांसें लेना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कहते ही स्वेलोज वाटर एंड चॉक्ड, और वो कुछ क्या करता है, बहुत सारा पानी को जो है वो निगल लेता है और उसका सर जो है ना वो एकदम लगता है कि चॉक्ड हो गया है, कि जमा हो गया है कुछ, उसका सर जो है भारी लगने लगता है। फिर भी अब क्या होता है, हिज लेग्स आर पैरालाइज्ड, और उसका पैर जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, लग रहा है कि उसको लकवा मार गया है। एंड रिजिड, और वो काफ़ी जो है रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। कहते हैं ए ग्रेट फोर्स इज पुलिंग हिम अंडर द वाटर, और लग रहा है कि पानी के अंदर में जो है एक प्रकार का प्रेत आत्मा है। ग्रेट फोर्स इज पुलिंग हिम अंडर द वाटर, और लगता है कि कोई फोर्स है, कोई बल जो है वो आपका मतलब कि खींच रहा है उसको पैर पकड़ करके, वो वहाँ पर वो चीज़ को एहसास करता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं, कहते हैं ही गोज डाउन इंडलेसली, और वो अंत तक चला जाता है। हीज आर्म्स वुड नॉट मूव, और उसके जो आर्म्स हो गए, हाथ हो गया, वो पूरा बिल्कुल काम नहीं करने लगता है। हीज आर्म्स वुड नॉट मूव, ही ट्राइज टू कॉल फॉर हेल्प, वो क्या करता है, वो मदद का गुहार लगाता है वो मदद के लिए, लेकिन जो है वहाँ पर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। देर इज नथिंग बट ओनली वाटर, अब कहते हैं ही सक्स फॉर एयर बट गेट्स ओनली वाटर, वो क्या करता है, वो सक ऑफ वाटर, वो जब सांस लेता है तो सांस अगर पानी के अंदर में आप लीजिएगा तो क्या होगा, आपका अंदर में जो है वो आपका ऑक्सीजन ना जा करके आपका वो H2O चला जाएगा, पानी चला जाएगा, वही होता है यहाँ पर। और एयर वो लेना चाह रहा है बट गेट्स ओनली दी वाटर, केवल वाटर ही चला जा रहा है। देन एफर्ट सीजेज, और ये सारा चीज़ उसका प्रयास जो है वो बेकार चला जाता है डियर। कहते हैं ही इज ए वोमिटिंग एट द एज ऑफ द पूल, और वो जो है वहाँ पर जो है वोमिटिंग करने लगता है, उल्टी करने लगता है वहाँ पर जा करके, क्योंकि बहुत सारा वो पानी पी चुका था वहाँ पर। अब कहता है कि द ड्रेडफुल एक्सपीरियंस हॉन्ट्स हिम अगेन एंड अगेन, और इससे राइटर जो है विलियम डगलस जो है काफ़ी डर गया, और इसको ड्रेडफुल मतलब कि एक्सपीरियंस बोलता है, काफ़ी ख़राब मतलब कि अनुभव बोलता है अपने लाइफ के टाइम में। हॉन्ट्स हिम अगेन एंड अगेन, और वो डर जो है बार बार उसको दोहरा रहा है। जब भी कभी वो तैरने के लिए सोचता है और कोई नदी के पास या तो कोई तालाब के पास में जाता है तो उसको एक भय सा लगने लगता है, एक डर सा लगने लगता है डियर। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आएंगे जानते हैं। कहते ए फ्यू ईयर्स लेटर ही गोज टू द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है वो वाटर ऑफ द कैस्केड्स में जाता है, कोई यहाँ पर रिवर का नाम है। कहते हैं द टेरर सीजेज हिम अगेन
डर उसको फिर जो है वो डराता है, सीज करता है। द राइटर कैनॉट टेक इन्जॉय ऑफ द बोटिंग। अब राइटर जो है ना, अगर वो तैरने के लिए नहीं जान रहा है, तो सबसे पहले जो है, अगर आप तैरने के लिए नहीं जान रहे हैं, तो अगर कोई डूब रहा है तो खुद ही आप उसको जो है बचा नहीं पाएंगे। और कभी कभी जो है डूबने वाले के साथ में जो, जब बचाने वाला नहीं जानता है तो वो साथ में, उसका साथ में वो भी चला जाता है। जैसा कि आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि सरकार ने बहुत जगह डोभा बनवाया और उसमें बच्चे लोग क्या किए, बच्चे लोगों को लगा कि ये ज़्यादा गहरा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा बच्चा लोग समाहित हो गया। तब 50% डोभा में यही हुआ है गाँव में, और उसे विकास हो या नहीं, लेकिन विनाश जरूर हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब कहता है, कहते द टेरर सीजेज हिम अगेन एंड अगेन। द राइटर कैनॉट टेक द इन्जॉय ऑफ, अगर राइटर जो है किस चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकता है, पहला वो बोटिंग का एंजॉय नहीं कर सकता है, दूसरा वो स्विमिंग का एंजॉय नहीं कर सकता है, केनोइंग का नहीं कर सकता है। केनोइंग मतलब होता है पानी में जो लोग बहुत क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आप अपना गाड़ी वगैरह स्ट्रीम वगैरह चलाते हैं वो भी, और आपका एक बाथिंग, अगर वो जो है आपका लेक में जो है या तो रिवर में बढ़िया से बाथिंग नहीं कर सकता है, तो अगर राइटर इन तमाम सारी चीज़ों को नहीं जानता है तो इतना सारे चीज़ों से वो वंचित हो जाएगा। सो विलियम डगलस डिटरमाइंस टू लर्न स्विमिंग, और वो डिटरमाइन कर लेता है, पूरा दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मुझे, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना ही है स्विमिंग। कहते ही गेट्स फियर ऑफ वाटर, और वो इस मतलब कि पानी का डर से जो है ना वो निजात पाना चाहता है। दी इंस्ट्रक्टर पुट्स ए बेल्ट अराउंड डगलस, और उसके लिए क्या करता है वो, कोई मतलब कि अपने जो है 6 मंथ चला जाता है, बट ही कुड नॉट मतलब कि लर्न हाउ टू स्विमिंग। देन ही टेक्स दी आपका वो जो है एक इंस्ट्रक्टर को रख लेता है और उससे सीखता है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, पुट्स ए बेल्ट अराउंड आपका डगलस, और वो जो है ना, ये डगलस जो है वो राइटर के जो है कमर में एक बेल्ट बांध देता है, और ए रॉप इज अटैच टू दी बेल्ट, और वो जो है रस्सी जो है बेल्ट से अटैच कर देता है। एंड गोज थ्रू ए पुली दैट रन्स ऑन ए ओवरहेड केबल, और उसमें एक उसको कमर में जो है आपका जो है बेल्ट लगा करके उसमें एक रस्सी बांध देता है, और रस्सी के सहारे उसको जो है एक्सहेल और इनहेल मतलब कि सारा स्टेप जो है उसको सिखाया जाता है, मतलब कि तैरने के लिए। अब क्या होता है, कहते हैं द इंस्ट्रक्टर होल्ड्स ऑन द एंड्स ऑफ द रॉप, और इंस्ट्रक्टर जो है इस रस्सी के अंत में पकड़ा हुआ था। एंड ही मेक्स डगलस पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, ही होल्ड्स डगलस ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड मेक्स हिम द किक विथ लेग्स, और उसको जो है मतलब कि बहुत सारा मतलब कि अगर विलियम डगलस डरता था तो इसका इंस्ट्रक्टर जो है उसको पानी के सामने ले जा करके उसको जो है लात मार देता था, किक कर देता था, और उस तरह से वो तैरने के लिए धीरे धीरे सीखने लगता है। इन दिस वे रिपीटिंग ईच एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स, और इस तरह से जो है 100 बार वो प्रैक्टिस करने के बाद द इंस्ट्रक्टर बिल्ड्स हिम ए स्विमर आउट ऑफ द डगलस, और एक बहुत बड़ा ये तैराक बन गया विलियम डगलस, क्योंकि वो जो है विलियम डगलस जो है उसका जो है काफ़ी प्रैक्टिस करता है। नाउ डगलस इज एबल टू स्विम इन द लेक ऑफ द वेंटवर्थ, और वो जो है वेंटवर्थ लेक में अब तैर सकता है, इन ए न्यू हैम्पशायर में तैर सकता है। और टेरर डज नॉट रिटर्न, अब डर जो है वो आप रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि वो जो है उसका एक्सहेल एंड इनहेल जो है आर्ट ऑफ स्विमिंग वो लगभग वो जो है क्या करता है वो कंप्लीट कर लेता है, सीख लेता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेरर डज नॉट रिटर्न, और जो है डर नहीं आता है उसके अंदर में। ही गिव्स आउट ऑफ ए क्राई ऑफ विक्ट्री, और वो जोरों से चिल्ला उठता है और वो जो है विक्ट्री का साइन देता है, कि क्योंकि ही लर्नड हाउ टू स्विमिंग, वो सीख जाता है कि कैसे तैरा जाता है। दस डगलस ड्रॉज ए डीप
meaning from this experience. He says that there is a terror in only in the fear of death. वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस को ये शेयर करता है, बोलता है कि जब तक हम लोग कोई काम से डरते रहेंगे या मौत से डरते रहेंगे, तब तक हम लोग जो है काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि वो बिना डर का जो है सारा चीज तैरने के लिए सीखता है। ही हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ ऑफ द सेंसेशन, उसको दोनों तरह का सेंसेशन का अनुभव है, ऑफ सेंसेशन ऑफ द डेथ का एंड द फियर डेथ एंड द फियर ऑफ द सेंसेशन प्रोड्यूसेस। उसको जो है मरने और जीने का जो है दोनों उसके पास जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि दिस गिव्स हिम एन इंटेंसिव विल टू लिव, नाउ ही टेक्स एंजॉय ऑफ लाइफ, और यही चीज उसको क्या करता है कि जीने का एक लंबी उम्र भी देता है और वो एक इच्छा भी जाहिर होता है और वो रहने लगता है। इस तरह से विलियम डगलस क्या करता है, वो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा तैराक बन जाता है और अभी भी जो है अमेरिका में जो है इनका नाम है हिस्ट्री में। स्टूडेंट, ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाता है। हालांकि इसको मैंने बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय को देना पड़ा है और लैंग्वेज को सिंपलीफाई करना पड़ा है, तो अगर इस वीडियो को अगर आपको अगर अच्छा लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह का नया नोटिफिकेशन और न्यू वीडियोस मिलता रहेगा और आप लोग जो है इसका एडवांटेज उठाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।